ये पिक्चर नहीं है जी। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर जी। सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको जी। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया, और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है। विधु विनोद चोपड़ा कश्मीरी पंडित होकर उसने जो खेल किया ना शिकारा में, प्रोपोगंडा था जी। असलियत हकीकत देखनी है तो ये है, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और मैंने जब दर्पण रेडियो पे इंटरव्यू करा था तो मुझे पहली बार मालूम, हम दोस्त हैं लेकिन पहली बार मालूम पड़ा कि वो इससे गुजरी है जो फिल्म में दिखाया गया है। आप बताइए, आप लेकिन एक बात मन करता है कि जाए, लेकिन आज वी हैव टू रिलीव इट एवरीथिंग। आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद में कुछ हेल्प मिलेगी? आपका जो दर्द था उसका दर्द का तो मैं जान रही हूँ, सबसे ज्यादा उनको जस्टिस मिलेगी जिनके साथ आपने इतना बेरहमी से देखा कि क्या हुआ। वी हैव ऑल बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, बट सम ऑफ देम हैव बीन टू द एक्सटेंट जो आपने देखा। इसमें जितने भी इंसिडेंट्स थे कुछ भी फिक्शन नहीं है, दिस इज द फैक्ट, द सो किलिंग, द ड्रम बैरल में जो, It's all true, but no far. आज तक कभी मैंने सुना नहीं है कहीं कि कश्मीरी पंडित को लेकर किसी ने कुछ कहा हो, कभी कुछ हुआ हो, मुझे नहीं पता इंडियन पार्लियामेंट में कभी कहीं कुछ हुआ है। I never याद आर्टिकल 370, but whatever those people, you have seen, please give justice, you can help us to support and give justice to those people, really, really the victims of this. I don't know.